हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिरला इंटरनेशनल स्कूल। सो लेट स्टार्ट स्टूडेंट्स, ग्रेड फिफ्थ, सब्जेक्ट ईवीएस एंड वर्कशीट 20। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको क्या करना है, ये जो फॉलोइंग क्वेश्चंस है ना, इनके आपको आंसर्स नीचे ब्लैंक स्पेस पे देना है। ओके, सो लेट स्टार्ट। फर्स्ट, डिफाइन डिफॉरेस्ट्रीज। क्या करना है आपको, डिफाइन डीफॉरेस्ट क्या होता है। ठीक है, सो फर्स्ट, डीफॉरेस्टेशन क्या होता है, इट इज द रिमूवल ऑफ ट्रीज बाय कटिंग देम। क्या होगा ये, रिमूवल यानी ट्रीज को साफ करना हुआ, कट करना हुआ, देम टू फॉर्म एंड फर्म लैंड और रेजिडेंशियल एरिया। देखो, डीफॉरेस्टेशन यानी हम पेड़ों की कटाई क्यों कर रहे हैं, पेड़ों को कट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या करना चाहते हैं, या तो हम फार्म में उसको चेंज करना चाहते हैं और एग्रीकल्चर करने में, या हम उसको रेजिडेंशियल एरिया में चेंज करना चाहते हैं। रेजिडेंशियल एरिया क्या होता है बेटा, जैसे कि मैं कहूँ कि मुझे वहाँ रहना है इसलिए मैं पेड़ों को कट कर रही हूँ। सो डीफॉरेस्ट क्या होता है, कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट्रीज या ट्रीज, प्लांट्स। ठीक है, सेकंड, व्हाई डू पीपल कट फॉरेस्ट्स। पीपल जो है वो फॉरेस्ट्स को कट क्यों करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, पीपल कट फॉरेस्ट्स फॉर एग्रीकल्चर एक्सटेंशंस। पीपल जो है वो फॉरेस्ट को इसलिए कट करते हैं क्योंकि वो एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, कृषि करना चाहते हैं, क्रॉप्स को ग्रो करना चाहते हैं। ठीक है, कैटल्स ब्रीडिंग, कैटल्स को रखने के लिए, कैटल्स क्या करेंगे, कैटल्स को रियर करने के लिए, पालने के लिए भी उनको यूज़ करते हैं। भाई कैटल्स को जब पालेंगे तो कैटल्स ब्रीड भी तो करती है ना, एक कैटल से दूसरा कैटल जन्म लेता है तो उसके लिए भी करते हैं। टिम्बर एक्सट्रक्शंस, इमारती लकड़ी जो होती है ना, पीपल फॉरेस्ट्स को क्यों कटता है, टिम्बर मीन्स इमारती लकड़ी को यूज़ करने के लिए, जिसका फर्नीचर वगैरह बनाया जाता है। डैम बनाने के लिए, बांध बनाने के लिए फॉरेस्ट को क्लियर करता है। कंस्ट्रक्शंस, किसी भी बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, हाउसेस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बनाने के लिए भी डैम फॉरेस्ट्स को कट करता है। एंड कॉलोनाइजेशन, किसी भी तरह का हम कॉलोनाइजेशन करते हैं, लाइक कोई कॉलोनी क्रिएट करते हैं तो हम फॉरेस्ट्स को कट करते हैं। ठीक है, तो इन सब मैनमेड चीज़ों के लिए मैन क्या करता है, फॉरेस्ट्स को कट करता है। थर्ड, लिस्ट द डिसएडवांटेजेस ऑफ कटिंग फॉरेस्ट। एक डिसएडवांटेजेस बताओ जिससे क्या होगा कि फॉरेस्ट्स को कट करने का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होगा, हानि होगी, लॉस होगा, अगर हम कंटिन्यू फॉरेस्ट्स को कट करते जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट, फर्स्ट, इंक्रीजिंग ऑफ ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस जो होगी वो हमारे एनवायरमेंट में इंक्रीज हो जाएगी। सेकेंड, इंक्रीजेस इन सॉइल एरोशन एंड फ्लडिंग। सॉइल एरोशन इंक्रीज हो जाएगा। सॉइल एरोशन क्या होता है, मिट्टी का कटाव, मिट्टी का अपनी एक जगह से हट जाना और दूसरी जगह पे जाकर के डिपॉजिट हो जाना, इट इज़ कॉल्ड अ सॉइल एरोशन एंड डिपॉजिटेशन। तो मिट्टी का कटाव होगा, मिट्टी अपनी जगह से हट जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, फ्लडिंग यानी बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाएगी। थर्ड, फ्लड्स आ जाएंगे। डिस्टर्बेंस इन एटमॉस्फेरिक वाटर साइकिल। वाटर साइकिल के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा, यानी वो डिसबैलेंस, वाटर साइकिल जो है हमारी डिसबैलेंस्ड हो जाएगी। फोर्थ, डिफाइन फूड चेन। फूड चेन को आप डिफाइन करिए। सो फर्स्ट, इट इज अ, सो हम क्या बोल रहे हैं, फूड चेन को डिफाइन करिए, तो क्या बोल रहा है ये, इट इज अ लाइनियर नेटवर्क ऑफ लिंक्स इन अ फूड वेब स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म। अ फूड वेब स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ग्रास, ट्रीज, एंड एंडिंग एट एपेक्स विद अ प्रीडेक्टर स्पीशीज लाइक टाइगर, लॉयन और वेल्स एक्सेट्रा। तो फूड चेन क्या होती है बेटा, ये बोल रहा है एक लाइन वाला प्रोग्राम है, लाइन यानी एक सीरीज वाला, एक क्रम वाला। फूड चेन में क्या होता है, छोटा जानवर को हमेशा बड़ा जानवर खाता है, तो हम कह सकते हैं बड़ा जानवर छोटे जानवर को खाता है। तो ये स्टार्टिंग कहाँ से होती है, ट्रीज और प्लांट से स्टार्ट होती है। जैसे कि मैं बताऊँ
कि है ना ट्रीज और प्लांट्स को किसने खाया, ग्रास होपर ने खाया, तो उसने एनर्जी गेट करी। फिर ग्रास होपर को किसने खाया, रैट ने खाया, तो उसको एनर्जी मिली। रैट को कैट ने खाया तो कैट को एनर्जी मिली, और लॉयन ने कैट को खा लिया, तो इससे क्या हुआ, लॉयन को फूड मिल गया, एनर्जी मिल गई। लेकिन लॉयन जो सबसे बड़ा एनिमल है, पावरफुल एनिमल है, तो लॉयन को तो कोई नहीं खा सकता। तो लॉयन जब मर जाता है तो उसको बैक्टीरियाज खा जाते हैं, इंसेक्ट्स खा जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा जाते हैं। अब वो खाते हैं तो क्या होता है, वो सॉइल में इंक्लूड हो जाता है, मिल जाता है, और सॉइल से न्यूट्रिएंट्स जो है लॉयन के, वो किसके पास जाते हैं, प्लांट्स के पास जाते हैं, तो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिलता है। तो हम कहें कि फूड चेन के अंदर प्लांट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, और बाकी सब क्या होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं। क्लियर बेटा। फिफ्थ, व्हाई आर फॉरेस्ट्स इम्पॉर्टेंट, फॉरेस्ट्स जो है वो इतने इम्पॉर्टेंट क्यों हैं। फर्स्ट, दे हेल्प इन ब्रीथिंग, प्रोवाइड्स ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या बोल रहा है कि प्लांट्स जो हैं वो हेल्प करते हैं हमारी ब्रीथ, सांस लेने में, वो हमें तो ऑक्सीजन देते हैं और खुद क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। सेकंड, दे कीप अस कूल एंड रेगुलेट क्लाइमेट टेम्परेचर, वो हमें कूल और रेगुलेट, जैसा क्लाइमेट मीन्स टेम्परेचर, तापमान और जलवायु देते हैं। थर्ड, दे हेल्प इन रेनिंग, फॉरेस्टर्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं हमारी बारिश होने में। एंड फोर्थ, दे प्रोवाइड टिम्बर, फायरवुड एंड फूडर, वो हमारे लिए टिम्बर यानी इमारती लकड़ी जिसका फर्नीचर बनाए जाते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, फायरवुड जलाने की लकड़ी प्रोवाइड करते हैं, और फूडर मीन्स एनिमल्स के लिए चारा प्रोवाइड करते हैं। और लास्ट पॉइंट मैंने मेरे हिसाब से एक और बता दिया है, दे ऐड टू द ब्यूटी ऑफ नेचर, फॉरेस्ट्स जो हैं वो हमारे नेचर की ब्यूटी को इंक्रीज करते हैं, या हम कहें हमारे नेचर की ब्यूटी में ऐड होते हैं। ठीक है बेटा, सो आई होप वर्कशीट 20 विल बी अंडरस्टैंड बाय द स्टूडेंट्स। थैंक यू बेटा, हैव अ फ्रूटफुल डे।